बदरपुर विधायक अगर नरेंद्र शर्मा की बात करी जाए तो नरेंद्र शर्मा के द्वारा बार बार आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, जो बदरपुर के नहर पार के जो तीन वार्ड हैं वहाँ पे जो ओजोन की समस्या है वो आपके कार्यकाल के दौरान लगी है, तो क्या कहेंगे आप? आप इसको चलाइए। अगर रामवीर सिंह विधूड़ी के समय में ओजोन मंजूर हुआ हो और ओजोन लागू हुआ हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इसको चलाइए। ओजोन जो है वो 8 मार्च 2010 को मंजूर हुआ और 10 अगस्त 2010 को नहर पार में लागू हुआ। उस समय दिल्ली में भी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इस इलाके से श्री राम सिंह नेताजी विधायक थे और श्री रमेश कुमार एमपी उस समय थे। ये कांग्रेस के शासन में ये ओजोन लगा, 2010 में लगा, उस समय मैं पूर्व विधायक था और अरविंद केजरीवाल की सरकार इस ओजोन को जारी रखे हुए है। हमारी पार्टी की ओर से ज़बरदस्त प्रयास हो रहा है। ओजोन तो समाप्त हो गया 2013-14 में, मैं आपको बता दूं, ये एफ जोन में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन एनजीटी में स्टे करवा दिया, एनजीटी के कोर्ट में अब वहाँ भी कार्रवाई चल रही है और कई हमारी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन वो उसके लिए प्रयास कर रही हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जल्दी से वो स्टे वैकेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और वो जोन जो 2013-14 में समाप्त हो चुका है, एफ जोन में परिवर्तित हो चुका है, जैसे एनजीटी कोर्ट का स्टे हटेगा तो फिर वो एफ जोन में आ जाएगा। ओजोन तो हटा हुआ, खाली स्टे है। सर, ओजोन के नाम पे बदरपुर विधानसभा में देखा जा रहा है कि दो अलग अलग कानून चल रहे हैं। एक तरफ तो गरीब आदमी 20 से 25 गज का अपना मकान बनवा नहीं सकता, मरम्मत तो दूर की बात है, वहीं देखा जाता है कि बिजली बिल का बिजली का ग्रिड बन जाता है और जो क्या नाम है खड्डा कॉलोनी में सरकारी स्कूल बन जाते हैं, तो क्या कहेंगे? दो कानून चलने। देखिए, बात सुनिए, बिजली का ग्रिड जहाँ बन के तैयार हुआ वो ज़मीन मैंने खाली कराई थी, उसकी शुरुआत मैंने कराई थी, वो कुछ दिन पहले वो बनकर तैयार हुआ जी। जहाँ तक लोग अपने मकानों की मरम्मत नहीं कर पा रहे या जो आप बता रहे हैं, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, रामवीर सिंह विधूड़ी 11 साल विधायक था और नहर पार आप जाइए एक एक घर में, चाहे मेरे कोई मेरे पक्ष में है चाहे कोई मेरे विरोध में है, अगर एक व्यक्ति ये कह दे कि मेरे समय में किसी का मकान टूटा हो, किसी का घर सील हुआ हो, किसी को मकान बनाने के लिए एमसीडी को, डीडीए को, पुलिस को कोई पाई पैसा देना हो तो मैं उसकी जिम्मेवारी ले सकता हूँ। मेरे समय में हजारों मकान लोगों ने बगैर किसी डर, बगैर किसी भय और बगैर किसी अधिकारी को पैसा दिए बनाए। मैं अपने समय की जिम्मेवारी ले सकता हूँ। जब मैं क्षेत्र का विधायक था तो मेरी जिम्मेवारी थी और मेरे समय में जैसे मैंने कहा हजारों लोगों ने बगैर किसी डर भय और बगैर किसी अधिकारी को पैसा दिए मकान बनाए। और जो आज के विधायक हैं, जब वो स्वयं चिट्ठी लिखते अधिकारियों को कि फला फला जगह अवैध निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो फिर आप मुझे बताइए तो फिर नतीजा क्या होगा? फिर तो ऐसा ही होगा, अधिकारी मकान भी तोड़ेंगे, सील भी करेंगे। जब विधायक का अधिकारियों को शेल्टर मिल जाए, सहारा मिल जाए, तो फिर अधिकारी तो जुल्म करेंगे। अधिकारियों के साथ एमएलए भी मिक्सअप हो जाए, तो इसलिए ये तोड़फोड़ हो रही है। आप मुझे बताओ ना, आप पूरे क्षेत्र में घूमते हो, मैं 2013-14 में विधायक था, आप मुझे बताओ क्या एक मकान टूटा, क्या एक किसी का घर सील हुआ, क्या कभी एमसीडी आई, कभी डीडीए आई, कभी किसी पुलिस की हिम्मत हुई, कभी कोई गरीब आदमी अगर मकान बना रहा है उससे कोई पैसे मांगने की हिम्मत हुई? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक व्यक्ति लाओ मेरे सामने। हमने अपने समय में पूरी तरह से व्यवस्था की थी कि गरीब आदमी अपने रहने के लिए घर बनाता है तो सरकार का कोई अधिकारी उसको किसी तरह की उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा, ये व्यवस्था हमने की थी। आज दम नहीं है नेता, अरे विधायक में दम होना चाहिए ना, दम नहीं है ना। रामवीर सिंह विधूड़ी के 11 साल में बताओ ना, आप पूछो जाके क्षेत्र में, तो हमने ये व्यवस्था की थी। और 4 महीने के बाद फिर भाजपा की सरकार आ रही है, लोग जो है बगैर किसी डर, बगैर भय, बगैर किसी को पैसा दिए मकान बनाएंगे, पूरे शान के साथ बनाएंगे। मैं आपको ये घोषणा कर रहा, 370 जो अमित शाह जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा
जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांट के और केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से 370 का मुद्दा चल रहा था पिछली सरकार मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान। उनने वादा भी क्या था कि 370 हम हटा के रहेंगे, लेकिन विपक्षियों ने इसी को मुद्दा बना के इस पर सिर्फ राजनीति खेलना शुरू किया और अब ये मुद्दा जो है सच में साबित होता हुआ जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं अपनी ओर से और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम निवासियों की ओर से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत हम लोग धारा 370 हटाए जाने के पर 35 से हटाए जाने पर और लद्दाख को अलग से दर्जा दिया गया है जो कि भारत सरकार के मातहत होगा और इसी तरह से जम्मू कश्मीर जो है वो भी यूनियन टेरिटरी होगी, इसके लिए हम बहुत बहुत अपनी सरकार को, अपने नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। एक तरफ विपक्ष के लोग समय समय पर हमारी पार्टी की निंदा करते थे, आलोचना करते थे और कहते थे कि धारा 370 खत्म करने का वायदा किया है, ये झूठा वायदा किया गया, अलग अलग तरह की बातें करते थे, उल जुलूल बातें करते थे। लेकिन जैसे ही आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ये लगा कि राज्यसभा में भी अब हमारा बहुमत है, तो उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया और मैं ये समझता हूँ कि देश के लोगों की ये एक इच्छा थी, वो इच्छा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने पूरी की है। हम एक बार उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर, दिल्ली प्रदेश के अंदर 15 साल शीला दीक्षित सरकार ने राज किया है और 2 कार्यकाल केजरीवाल को भी मिल चुके हैं, लगभग 6 साल इसको माना जा सकता है, तो तकरीबन 21-22 साल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से दूर रही है। 2020 में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो पार्टी की क्या तैयारियाँ चल रही हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी जो कि 67 विधायक लेकर सत्ता में विराजमान है, कैसे चुनौती देंगी? देखिए, बात यह है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपनी तैयारी करती रहती है। आपको मालूम है, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें शानदार जीत पार्टी ने हासिल की है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है और दिल्ली में भी हम मोदी जी की पार्टी की सरकार लाएंगे, जिससे कि दोनों सरकारें आपस में तालमेल करके दिल्ली को और बेहतर विकास कर सकें। आए दिन अरविंद केजरीवाल एक ही बात कहते रहते, एक ही रोना रोते रहते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम नहीं करने दे रही, यही वो कहते रहते हैं। तो लोगों के मन में अब एक बात बैठ गई है कि दिल्ली का शानदार और बेहतरीन विकास केवल तभी हो सकता है जब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी दिल्ली में ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, आप देख रहे हो, सदस्यता अभियान चल रहा है, जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं, चाहे वो गांव का स्तर पर मीटिंग हो रही हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनीज में, चाहे झुग्गी झोंपड़ियों में, निरंतर हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे MLAs, हमारे XMLAs, हमारे काउंसलर्स, वो पूरी तरह से जागरूक हैं और निरंतर जनता के संपर्क में हैं, उनके मुद्दों को निरंतर उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। दिल्ली में आज बूंद बूंद पानी के लोग तरस रहे हैं, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है, दिल्ली में कोई एक नए अस्पताल का निर्माण का कार्य नहीं हुआ, कोई दिल्ली में कोई एक नया कॉलेज नहीं खुला, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में देख लीजिए आप, कोई नया, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं खुला, प्राइमरी स्कूल नहीं खुला, कोई अस्पताल नहीं बना, जो गंगा जल में लेकर आया था उसकी सप्लाई में भी बड़ी भारी कटौती हो गई है। अरविंद केजरीवाल ये वायदा करके गए थे कि हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाएंगे, सीवर लाइन डालने का कोई कार्य दूर दूर तक शुरू नहीं हुआ। ये आपको मालूम है, बेचारे जो गरीब लोग हैं जिनके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल भेज रही है, वो गेहूँ और चावल भी गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। क्षेत्र के विधायक अधिकारियों के साथ मिलकर, दुकानदारों के साथ मिलकर उस गरीबों के राशन को ब्लैक मार्केट में बेचकर लाखों रुपया कमा रहे हैं, ये जनता का कहना है। राशन की दुकानें खुलती नहीं हैं, आप देखिए पूरे क्षेत्र में आप चले जाइए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने अपने समय में हजारों गलियों को सीमेंटेड किया, पक्का किया, पानी की निकासी के लिए नाले और नाली बनाई। आज जो मौजूदा काउंसलर हैं, विधायक हैं श्री नारायण दास शर्मा जी, आज उनकी मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं, ये स्थिति पैदा हो गई है। तो क्षेत्र में लोगों ने मन बना लिया है, क्षेत्र में ही नहीं पूरे दिल्ली के लोगों ने, और मेरा ये मानना है कि जिस तरह का समर्थन
भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में मिला है उससे ज़्यादा समर्थन विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा, ऐसा फीडबैक हमें जनता की तरफ से बिल्कुल मिल रहा है।